दे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सोमवार है, सोमवार को अंशिका का व्रत होता है, तो उसी के लिए मैं आज खाना बना रही हूँ। व्रत वाले ही सामान बनाने जा रही हूँ। तो कुट्टू के आटे में ऐड कर लिया था नमक, काले मिर्च और गोल गोल बारीक कटे हुए आलू। ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। कुट्टू का आटा जो है वो बहुत कम पानी लेता है, इसलिए इसमें ध्यान से ही पानी मिलाना पड़ता है। पहले मैंने कम पानी मिलाया और उसके साथ उसको कुट्टू के आटे के जो पकोड़े बनाए थे वो फ्राई किए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया। तो पानी ऐड करने से जो उसकी वर्केबिलिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई। तो उस वो जो दूसरा मैंने बैच बनाया था वो अच्छे से बना। फिर ये देखिए थोड़ा सा पानी और मैंने डाला, बस इतना सा ही। इसके बाद थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी हो गई तो अच्छे से वो जो बैटर है वो आलू के साथ चिपक रहा था और अब अच्छे से बन रहे थे। लेकिन आप इसमें कितना भी डाल लीजिए, जो लास्ट में बैटर रह जाता है ना पतला सा, वो काफ़ी सारा बच जाता है। तो उसको भी मैं इकट्ठा कर करके छोटे छोटे उसके बैचेस में पकौड़े बना रही थी। वो प्लेन बनते हैं लेकिन बहुत कुरकुरे बनते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। वो भी दही के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ या टमाटर के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, आप किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जो फ्राइंग का मेथड है इसका, कुट्टू के आटे का, वो भी बहुत कॉन्शियस होके बनाना पड़ता है, क्योंकि आलू जो है उसमें काफ़ी टाइम लगता है गलने में आलू को, और जो कुट्टू का आटा होता है ऊपर की जो परत होती है आटे की वो जल्दी सिक जाती है। तो इसको मीडियम और तेज आँच पे ही बनाना पड़ता है। सिम करने पे ये पानी तेल जो है वो पी जाएगा। तो मीडियम तेज पे ही हमने इसको अच्छे से फ्राई किया। जब देखा आलू गल गए हैं तो थोड़ा तेज़ करके ऊपर का जो कुट्टू का आटा होता है लगा हुआ उसको भी अच्छे से रेडिश ब्राउन कर लिया। अब बना रही हूँ टमाटर की चटनी। इसमें सिंपल ऐड किया है देसी घी 1 चम्मच, शाही जीरा, टमाटर ऐड कर दिया था, थोड़ा सा सिंपल नमक जो बेसिक नमक होता है, और साथ ही ऐड किया था थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च, और इसमें ऐड किया था थोड़ा सा देगी मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच चीनी। ये सिर्फ मैंने अंशिका के लिए बनाना है खाना, तो इसलिए कम बनाई है टमाटर की चटनी, जितना वो खा सके उतना ही बनाया था। यहाँ पे अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। देखिए आधी आधी करके मैंने 2 बार ऐड करी थी। ये देखिए बिल्कुल 3 बार ज़रूर मैंने ऐड किया, लेकिन क्वांटिटी जो थी कि चीनी की वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी थी। तो मैं कभी भी जो मेज़रमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं डालती हूँ, सिर्फ अंदाजे से डालती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ। शुरुआत में थोड़े से करती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना डालती रहती हूँ। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। चीनी डालने का थोड़ा पानी छोड़ती है तो चटनी जो है थोड़ी लिक्विड ही हो गई थी, तो उसको थोड़ी देर और पकाने के बाद मैंने अलग रख दिया। अब लगाने जा रही हूँ चावल को तड़का। जो ये चावल हैं ये भी नॉर्मल चावल नहीं है, जो व्रत वाले चावल होते हैं इनको समकीय चावल बोलते हैं, ये वाले मैंने यूज़ किए थे। 10-15 मिनट मैंने इनको भिगो दिया था। कढ़ाई में ऐड किया है 1 चम्मच देसी घी, उसमें ऐड किया थोड़ा सा शाही जीरा, और स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। नमक मैंने इतना ही ऐड किया था जितना कि चावलों में ज़रूरत हो, क्योंकि अभी इसके साथ कोई सब्जी नहीं बनाई थी, इसको रायते के साथ ही खाना था, इसलिए मैंने इसमें नमक जो है वो ठीक सी क्वांटिटी में ऐड कर दिया, जिससे कि चावल में पूरा पड़ जाए। हल्का सा इसको भून लिया था, थोड़ा चिपक रहा था तो मैं उसको हटा रही थी। 1 कटोरी, आधी से थोड़ी ज़्यादा ये कटोरी चावल थे, तो मैंने उससे डबल पानी इसमें डाल दिया था। पानी भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला, मिक्स करती रही, चलाती रही, देखती रही कि जितनी ज़रूरत होगी पानी और मैं डालती रहूँगी अकॉर्डिंगली। अब इसको मैं ढक करके पकने के लिए रख दूंगी एक साइड में। अब तैयारी कर लेते हैं रायता बनाने की। रायता भी मैंने बहुत सिंपल सा बनाया था। सिर्फ दही में ऐड किया था कद्दूकस किया हुआ खीरा। दही को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था,
खीरा ऐड किया है इसमें कद्दूकस किया हुआ। थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ी सी काली मिर्च। जो इंडियन मसाले होते हैं ना, काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, मेथी, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल कर सकूँ अपने रूटीन के खाने में। चावल यहाँ पे पक्के तैयार हो गए थे, साथ ही अब मैं यहाँ पे जो ये मैंगो है वो मैंने फ्रीज़ करके रख लिए थे, थोड़ी देर पहले निकाल के रखे थे बाहर। तो इनको मैं अब क्या करूँगी, सीधा ग्राइंड कर लूँगी थोड़े से दूध और चीनी के साथ। जितना चाहिए था मैंगो मैंने 2 ग्लास के अकॉर्डिंग बनाया था, जैसे अंशिका और हिमांशी दोनों का हो जाए। थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, साथ ही ऐड कर दूँगी थोड़ी सी शुगर, और इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके चला लिया था। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बना था, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बना था, कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दूध कम पड़ जाएगा, लेकिन बिल्कुल ठीक बना था। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ, प्लेट सर्व कर लेते हैं। देखिए चटनी मैंने रख दी है, पकोड़े रख रही हूँ। सात्विक खाना है दोस्तों, बहुत शुद्ध शाकाहारी इसी को ही कहते हैं सात्विक खाना। जो पकोड़े वगैरह फ्राइड होते हैं ना, तो उनके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनमें बहुत ही कम घी तेल का इस्तेमाल हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने चावल और चटनी में सिर्फ 1-1 चम्मच देसी घी डाला। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। कैसा आपको लगा मेरा आज का बनाया हुआ खाना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।